पंजाब विच मंडियां च झोना आ गया पर उसकी खरीद नहीं हो रही, जिस करके किसान इस समय परेशान हैगा। दूजे पासे स्टेट गौरमेंट इस दे लई सेंट्रल गौरमेंट नूं जिम्मेवार ठहरा रही है और सेंट्रल गौरमेंट इस दे लई स्टेट गौरमेंट नूं जिम्मेवार ठहरा रही है। कसूर किसदा हैगा ये हाले पता नहीं, पर दूजे पासे किसान जरूर परेशान हो रहा। किसान दे चेहरे जिहड़े आ मुरझाए हुए आ, किसान जिहड़ा धरने प्रदर्शन लई मजबूर हो रहा। साडे नाल वनीत जोशी जी, वनीत जोशी जी पंजाब बीजेपी दे सीनियर लीडर, उन्हां नाल गलबात करदे आ। वनीत जी, गल समझ नहीं आ रही, सेंटर केंद्र स्टेट गौरमेंट नूं कसूरवार ठहरा रही है, स्टेट गौरमेंट सेंटर गौरमेंट नूं कसूरवार ठहरा रही है, दोवां दी बयानबाजी चल रही है, हो कुछ नहीं रहा, किसान परेशान है। देखो, साफ और स्पष्ट गल है, अपना ना इस झोने की जिहड़ी चुकाई है उन्हें समझने की कोशिश करिए। ये जिहड़ा झोना या कणक है, इहदा सारा सारा पैसा केंद्र सरकार भेजदी, पंजाब सरकार जीरो पैसा पाती है। तो झोने की चुकाई वास्ते केंद्र सरकार ने 43,999 करोड़ रुपया इन्हों बेचता, इन्हों खात्या च पैसा आ गया। हुण झोना भी मंडी च आ गया तो पैसा भी सरकार कोल आ गया, तो खरीद हो नहीं रही। तो मान साहब खरीद वास्ते की कहिंदे ने कि जी, और जिहड़ा चावल है पिछले साल का वह नहीं चक्या, इस करके जगह अवेलेबल नहीं, इसलिए झोने की खरीद नहीं हो रही। मान साहब, इस तो वड्डा झूठ जड़ा पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बोल सकती। झोना च आंदा, राइस मिल च जांदा, झोना रखिया जांदा, झोने नूं चक के राइस मिल च पाया जांदा, उस तो बाद चावल बनता, चावल शैड च रखिया जांदा। तो जिथे झोना रखिया जांदा उत्थे चावल नहीं आता, क्योंकि चावल टीन शैड च रखते हैं। तो जिथे झोना सीगा वो चक्या गया, मिल चो प्रोसैस हो गया, चावल बन गया, चावल टीन शैडा च पे, जिहड़ा केंद्र सरकार ने चक्या भी चक भी रही है। पर जिथे तुसीं झोना खरीद के रखना, वह थां तां खाली पई है। और मान साहब, जिहड़ी प्रहलाद जोशी जी नाल दिल्ली च मीटिंग हुई है, तुसीं उत्थे मन के आए हो कि साडे कोल 4.25 लाख मीट्रिक टन धान रखण दी जगह अवेलेबल है, तो लगभग 1,80,000 मीट्रिक टन धान आया मंडिया च, जिहड़ा टोटल आना है। तो फिर तुसीं चक क्यों नहीं रहे, उहनूं खरीद क्यों नहीं रहे, जवाब तो दे दो। ये जिहड़ा तुसीं स्पेस वाली गल है, इस ते लोगों नूं गुमराह करना बंद करो। जोशी साहब, मैंने एक गल समझ नहीं आ रही, तुसी कह रहे हो खरीद भी केंद्र सरकार ने करनी है, है सारा कुछ केंद्र सरकार का, माल तो केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार ने उसके लिए पैसा भी भेजता, मान सरकार ये भी मान के आ गई है भी साढ़े को ले जगह भी अवेलेबल है, फिर दिक्कत कितने है, फिर क्यों क्यों कहते जी स्टेट गौरमेंट है वह किसान परेशान कर रही है। यही तो साड़ी भी गल समझ नहीं आ रही कि मंडियां झोना आ गया, मंडियां च आड़तियों की मंग है, लेकिन आड़ती है अपनी आड़त करन तैयार ने, वो बिक्री व करवाण वास्ते तैयार ने। आड़ती कहें जी ये आ गया, वो पाते ने कहें लो जी खरीद लो सरकार नूं। हुण सरकार दा जिहड़ा खरीद अफसर बैठा, पंजाब सरकार दा नुमाइंदा बैठा, भगवंत मान साहब पंजाब सरकार दे मुखी हुंदा, जिहड़ा उत्थे नुमाइंदा अफसर बैठा है, वह खरीद ते मोहर नहीं ला रहा। वो खरीद ते मोहर लाएगा तो ही केंद्र सरकार वालों भेजा MSP का पैसा किसान के खाद्या जाएगा, तो आड़तियों को कमीशन मिलेगी। हुण वह अफसर मोहर क्यों नहीं ला रहा, इसका जवाब तो हुण भगवंत मान साहब देंगे ना, असीं भी देवांगे। तो सानू भी खदशा होंदा भी 43,000 करोड़ रुपया आ गया तुहाडे खात्यां च पै गया। हुण खात्यां च पैण तो बाद इहनूं लगदा कि पता नहीं हुण जां ते इहदी फाइनैंशियल स्थिति बहुत खराब है, इन्हें कोल पैसा है नहीं, वो सोचते होने कि पैसे नूं थोड़े दिन असीं वरत लीए, थोड़ा सज्जे खब्बे वरत लीए, बाद च उन्हूं कर देंगे, और वरतन वास्ते झूठ का शोर पा लिया। हुण झूठ दुबारा मैं बोल देना, कहिंदे स्पेस नहीं है इसलिए झोना नहीं चक रहे। मेरे किसान वीर चंगी तरह समझन, पंजाबी वीर समझन, झोना रखण की जगह बहुत है, और झोना रखण की जगह हैगी है 4.25 लाख मीट्रिक टन, जिहड़ा भगवंत मान साहब केंद्र सरकार अगे मन के भी आ गए ने। जे ये गल ना भी मनण तो भी पंजाबी जी गल समझो, झोना है, झोना मिल दे अंदर जाता, चावल बनता है, तो चावल टीन शैडा च रखा जाता है। केंद्र सरकार तो मंग हैगी इन्हां दी चावल चक्कण दी, झोने दी नहीं, तो झोना तो प्रोसैस होकर चावल बन चुका है, तो जिते झोना रखिया सी पिछले सीजन तो जगह खाली पई है, तो उत्थे हुण झोना खरीद के रख दो। तुसीं झोना खरीद के क्यों नहीं रख रहे उत्थे, क्यों तुसीं केंद्र सरकार दे पैसे नूं अपनी जेब च पाई बैठे हो, या सानूं शक है कि उहदी तुसीं दुरवरतों कर रहे हो। तो मेरी सारी सारी बेनती है पंजाब सरकार नूं कि किसानां नूं तंग करना बंद करे, आड़ती नूं तंग करना बंद करे, और तुरंत जिहड़ी है झोने दी वो खरीद करे। अच्छा जोशी साहब, मैनू चलो मैं थोड़ी गल मान लैना भी स्टेट गौरमेंट जिहड़ी है किसानों नूं परेशान कर रही है, इस च सेंटर गौरमेंट का कोई कसूर नहीं है, पर जिहड़े किसान हैगे आ उन्होंने ऐलान कर दिता कि वह घरां दा घराव करनगे, जिस विच BJP दे जिहड़े पंजाब दे लीडर आ या सीनियर लीडर आ उन्होंने घरां दा भी घराव होएगा। फिर किसान BJP नूं क्यों घेर रही है? किसान नहीं, किसान जथेबंदी बोलिया करो, एक किसान जथेबंदी, किसान च बहुत फर्क है। मैं फर्क ही है, एक फर्क क्यों नहीं है जी, हरियाणा देख लिया, ये सारिया किसान जथेबंदियां हरियाणा वालियां पंजाब वालियां हरियाणा जाके बह गईयां, रैलियां कीतियां, मीटिंगा कीतियां कि BJP हरानी है,
ठीक है, उन्होंने किसान ने तो चुननी, होर लोग चुनाव भी लड़ गए तो उत्थे तो बीजेपी फिर जीत के आ गई। इहदा मतलब हरियाणा के किसान ने भारतीय जनता पार्टी ने वोट पाई है, ताही जीती है ना, क्योंकि हर एरिए उन्हें वोट मिली है। इहदा मतलब किसान भाजपा के नाल खड़ा है, किसान जथेबंदियां नाल नहीं खड़ी है। दोनों च फर्क है, दोनों च फर्क है। जिवें असीं बीजेपी हाँ, जे असीं कहांगे सारा भारत साढ़े नाल लग्या, जिहड़ा कुछ साढ़े बीजेपी का मैंबर है, कुछ कांग्रेस का मैंबर है, कुछ होर सियासी पोलीटिकल पार्टी का मैंबर है, इवें किसान जथेबंदियां है, एक नहीं कई सारियां है, ठीक है, है ना। एक किसान जथेबंदियां सारे किसानों नू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग किसान जथेबंदियां नहीं जुड़े। किसान भाजपा तो खुश है, किसान जथेबंदी नाराज है, क्योंकि किसान जथेबंदियां ज़्यादातर कॉमरेड ने, कॉमरेड साढ़े नाल सियासी खुंदक रखते हैं और सानू थले लाने की कोशिश करते हैं। डल्लेवाल का बयान सुन लो जी, पुराना बयान है कि राम मंदिर बनन करके नरेंद्र मोदी का ग्राफ उपर चल गया, उन्होंने ग्राफ थले सुटना है, इस करके असं किसान जथेबंदियों का अंदोलन कर रहे हैं, ये डल्लेवाल बोलिया जी। फिर एक और बड़ा मजेदार बात है, वो बयान सुनने वाला है, ठीक है, चुडुनी का कहता जी हमने तो सारा अंदोलन हिंदी से बोले ना, हमने सारा अंदोलन कांग्रेस के लिए खड़ा किया, कांग्रेस का फायदा नहीं ले पाई। तो इहदा मतलब की होया कि जड़ा सारा सारा एजिटेशन सीगा वो कांग्रेस नूं जिताण वास्ते सीगा। सो ये किसान जथेबंदियां सियासी मंतव पूरा करदियां, पोलीटिकल मंतव पूरा करदियां, जे वो साडे लीडरां दे घर पंजाब दे आणगे, असी जो गल तुहानूं कही है असी गल वह कहांगे, भी जब स्पेस हैगी है झोना चक क्यों नहीं रही, केंद्र तो पैसा है झोना चक क्यों नहीं रही, जे पंजाब सरकार का खरीद अफसर मंडी के अंदर झोने की खरीद से मोर नहीं ला रहे तो उसके लिए जिम्मेवार भाजपा किवें। मैं फिर बिच टोक रहा, इसका मतलब ये तुम साफ कर रहे हो भी जिहड़ियां जथेबंदियां वह बीजेपी के खिलाफ हैगियां, इस करके प्रदर्शन कर रही, किसान उस शामिल नहीं हैगा, किसान जिहड़ा बीजेपी तो खुश हैगा। किसान जड़ा है मोटे तौर पर आम किसान भाजपा तो खुश है जी, क्योंकि भाजपा की किसान पक्षी नीतियाँ, ये किसान जथेबंदियां सियासत कर रही हैं, कोई गल नहीं सियासत कर, पर किसान जथेबंदियां जवाब दे देन। जे पंजाब सरकार के खाते 43,000 करोड़ रुपए MSP वास्ते आ गए, तो जे पंजाब सरकार के अफसर मंडी च खरीद नहीं कर रहे, जे पंजाब सरकार ने बारदाना जिन्ना चाहता नहीं खरीदया, जे पंजाब सरकार ने धान की खरीद तो बाद टक्कन वास्ते तरपाल नहीं खरीदी, 3-4 लाख मीट्रिक टन जगह अवेलेबल है, भगवंत मान कहता ये बावजूद जो उसे चोना नहीं रख रहे तो उसके लिए वीर जी असी किमें जिम्मेवार, उसके पंजाब सरकार जिम्मेवार है। इसलिए किसान जथेबंदे को मेरी बेनती है कि तुम सियासी मंतवान से खेलना बंद करो और तुरंत जड़ा है पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करो, ताकि उन्होंने अफसर जड़ा है मंडियां तुरंत खरीद को कन्फर्म कर। ये विनीत जोशी जी, विनीत जोशी जी बीजेपी के सीनियर लीडर है, और विनीत जोशी जी ने अज एक बहुत वड्डी गल की है, उन्होंने कहा है कि किसान जथेबंदियों विच किसान नहीं है, किसान जथेबंदियां जड़ियां राजनीति कर रही हैं और उसी राजनीति के तहत जानबूझ के बीजेपी को बदनाम किया जा रहा, और उसी बदनामी के तहत जिहड़ा झोना वाला मामला है जिस विच किसान परेशान हैगा, जानबूझ के उस मामले विच जिहड़ा बीजेपी के लीडरां दे घर घेरन की जिहड़ी आ घोषणा की गई है। मैं दिनेश कोल कैमरामैन दीपक दे नाल दैनिक सवेरा टीवी चंडीगढ़ तो। दैनिक सवेरा अते फॉक्सवैगन 18-19 अते 20 अक्टूबर नू जलंधर दे गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम विच तुहाडे लई ले आए ने ऑटो एक्सपो 2024, जिस विच तुहानू मिलणगीआं लग्जरी कारां, बाइक्स, किड जोन, आकर्षक तोहफे, फूड कोर्ट, लाइव परफॉर्मेंसेस, फ्री मेहंदी ते नेल आर्ट हुई दोपहर 12 to 8 PM तक। स्पॉन्सर जरूर ऑटो एक्सपो 2024, एसोसिएट स्पॉन्सर अडानी गैस, एंटरटेनमेंट पार्टनर मिर्ची एंड गाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।